साथियों नमस्कार, मैं अजय शंकर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जब आप इंतजार कर रहे हैं इस पेपर का, ये आपका नर्सरी टीचर का पेपर है जो चंडीगढ़ में अभी हुआ है। चंडीगढ़ में आप सभी शिक्षक बनना चाहते हैं, नर्सरी टीचर के तौर पर आप लोग जो सपना देख रहे थे यहाँ शिक्षक बनने का, वो तो पेपर खत्म हो चुका है। अब DSSSB का जो नर्सरी टीचर का पेपर होगा उसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा। मेरे साथ अभी रमन है जो पेपर देकर के आए हैं। रमन, पेपर आपका कैसा हुआ? मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है सर। ओवरऑल आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे टोटल? 150 आए थे। तो 150 क्वेश्चंस को करने में आपको कितना वक्त लगा? मेरा समथिंग 2 घंटे से ऊपर लग गया था सर। 2 घंटे से ऊपर का लग गया था। पेपर को देख करके आपका क्या कहना है कि पेपर मुश्किल था, आसान था, या फिर कह सकते हैं कि मॉडरेट एवरेज पेपर था? एवरेज पेपर था सर। कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा? मेरे हिसाब से मैथ लगा सर, बाकी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैथ जो है वो रमन को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा है। ना केवल रमन, अभी मैं दूसरे सेंटर पे भी होके आया हूँ, वहाँ पर भी बच्चों से मुलाकात हुई है। कई सारी लड़कियों का भी वहाँ पर यही कहना था कि मैथ वाला जो सेक्शन है वो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा। मैथ वाला सेक्शन क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है, इस पर तो हम अलग से चर्चा करेंगे ही। रमन, और कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे आपके पेपर में? जो आपने पढ़ाया है वो भी आ रखे हैं सर, इंग्लिश भी आ रखी है, इसमें पंजाबी भी है। अच्छा, तो पंजाबी वाले क्वेश्चंस आपने किए? पंजाबी नहीं किए सर, पंजाबी थोड़ा सा वीक है। अच्छा, साथियों यहाँ पर मैं अभी देख पा रहा हूँ कि दीक्षा प्रखर NCPCR निष्ठा, इसका भी जिक्र हुआ है। साथ में यहाँ पर जिक्र हुआ है एजुकेशन को लेकर के कि वह किस तरह से कैसे हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जिक्र किया गया है बच्चों की फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी को लेकर के, एक करिकुलर जो हमारे गोल होते हैं। साथियों, ओवरऑल पेपर मैंने अभी देखा है, जब मेरी बात अभी रमन से हुई ये वीडियो बनाने से पहले, तो पेपर को देख करके मैं यही कहूँगा कि जितने भी नोट्स मैंने आपको दिए हैं, जितनी भी क्लासेस मेरी आप सबके साथ में रही हैं, उससे बाहर इसमें कोई भी प्रश्न बना नहीं है। जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को कहता रहा हूँ कि 2022 में फाउंडेशन स्टेज को लेकर के जो हमारा NCF आया था, वहाँ से आप लोगों को तैयारी करनी है। और ये आप लोग अगर इस वीडियो में देख पा रहे होंगे तो NCFFS, यहाँ से देखो आपके पेपर में आपको प्रश्न दिया गया है। इसी तरह से NEP 2020 से भी आपके पेपर में प्रश्न आपको दिया गया है। जो कंप्यूटर का आपका सब्जेक्ट रहता है वहाँ से भी MS वर्ड से रिलेटेड प्रश्न हम लोगों को देखने को मिले हैं। नेटवर्क टॉपोलॉजी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो ये देखिए आप लोग, NEP 2020 का एकदम साधारण सा प्रश्न आपको बना करके दिया गया है। आप इस प्रश्न को देखो और जल्दी से मुझे बताओ कि अभी जो नया फॉर्मेट हमारा आया है NEP 2020 का, वो क्या है स्कूल स्ट्रक्चर को लेकर के। साथियों, सीखने के 5 चरणों का सही क्रम बताना था, वहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो ये पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। बच्चे के ब्रेन को लेकर के प्रश्न पूछा गया, बहुत बढ़िया पेपर आपका बनकर के आया है। आप लोग जो भी बच्चे DSSSB की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं जल्दी बताऊंगा कि किस तरह से कैसे आप लोगों को अपनी तैयारी को शानदार करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। रमन, जो बच्चे अभी DSSSB की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे कि वो किस तरह से अपनी तैयारी करें? मैं यही कहना चाहूँगा सर, कंपटीशन बहुत है, वो अपनी सबसे बेस्ट तैयारी करें। और जो आपके द्वारा नोट्स है वो पढ़े सर, उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रखे हैं सर, आपको ये द्वारा पढ़ाए गए, एक भी बाहर नहीं गया है सर, उनको तैयारी अपनी बेहतर करनी चाहिए सर। साथियों, कैमरा के सामने थोड़ा सा हेजिटेट हैं रमन, बाकी मैं आपको बता दूं कि रमन अभी सरकारी नौकरी पर हैं, BRO में अभी काम करते हैं। और लेह लद्दाख आप में से बहुत सारे बच्चे घूमने गए होंगे या घूमने जाने का सपना देखे होंगे, तो लेह से भी ऊपर एक जगह है जहां पर अभी पोस्टिंग है रमन की, और वहां से ये पेपर देने के लिए आए थे। इतनी कठिन परिस्थितियां होते हुए भी कि वहां पर नेटवर्क नहीं होता है, हमारे टेलीग्राम चैनल से ये नोट्स लेकर के पढ़ाई करते हैं। जज्बा आप लोग देखिए रमन का। रमन, अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? ले में है सर, ले से थोड़ा ऊपर है मेरी। ले से ऊपर कौन सी जगह एग्जैक्ट? गलवान के आसपास मान सकते हैं। अच्छा, गलवान घाटी। साथियों, गलवान घाटी जहाँ पर हम लोग सुनते भी हैं कि भारत और चाइना का जो डिस्प्यूट है वो चलता रहता है। तो रमन का पेपर कैसा हुआ? रमन ने अभी बताया है कि ओवरऑल ठीक पेपर हुआ है उनका, और पेपर जो है वो ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना बहुत ज़्यादा आसान है, एवरेज पेपर आया है। सभी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए हैं जो आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपको दिया जाएगा। थैंक यू।